भगवान बहुत दिनों तक सब कालचक्र का प्रभाव था, भगवान बहुत दिनों तक जो है टाट के टेंट में रहे, तो वह काल बीत गया, लेकिन भगवान टाट में बहुत दिन रहे लेकिन अब ठाट से रहेंगे। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी स्वयं में एक महान संत हैं और पीठाधीश्वर हैं और एक परंपरा से जुड़े हुए हैं, इसलिए संतों की महिमा और भारतीय संस्कृति की महिमा के वो रग रग से परिचित हैं, इसलिए उनकी भावना अयोध्या से और संतों से जुड़ी हुई है और अत्यधिक अंतर मन से वो जुड़े हुए, क्योंकि संतों का जीवन परोपकार के लिए ही होता है, परोपकाराय सताम विभूतयः, इसलिए संतों के द्वारा ही समाज की रक्षा होगी और राष्ट्र की रक्षा होगी, संस्कृति की रक्षा होगी और मानवता की रक्षा होगी। इनसे कोई खतरा नहीं, ऐसे लोग ये सब बरसाती मेंढक हैं, ऐसे बरसाती मेंढक पैदा होते हैं, बरसात के समय में टर टर करते हैं, चले जाते हैं, सनातन संस्कृति सदा से सनातन संस्कृति के ऊपर किसी का कोई खतरा नहीं। हमारे साथ जगत गुरु डॉक्टर राघवाचार्य जी हैं, एक अनूठी मिसाल कल अयोध्या में देखने को मिलेगी, जब रामलला की जन्मभूमि से सटे बगल में एक एकड़ में दक्षिण भारत की संस्कृति उत्तर भारत की संस्कृति एक साथ होते हुए देखेंगे, जो आपने देवस्थानम का जीर्णोद्धार कराया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भगवान श्री सीता रामचंद्र जी की मंगलमयी कृपा से यह कार्य सम्पन्न हुआ है, मेरे सामर्थ्य की बात तो नहीं थी, भगवान के द्वारा ही ऐसा कार्य संपन्न हुआ, हमारी यही भावना है। और यह पवित्र स्थल श्री रामलला सदन देवस्थान अयोध्या का अत्यंत प्राचीन स्थल है और पवित्र स्थल है। इस स्थल पर 350 वर्ष पुराना मंदिर था जो जीर्ण हो चुका था और इसकी व्यवस्था मैं ही देखता था, तो हमारे ट्रस्ट सहयोगियों के द्वारा इस मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार हुआ है और द्राविड़ शैली में इसका जीर्णोद्धार संपन्न हुआ है और भगवान के संप्रोक्षण विधि चल रही है, आज से प्रारंभ होकर के 4 जून तक चलेगी, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज कल पधार रहे हैं और उनके करकमल के द्वारा इसका उद्घाटन एवं लोकार्पण का कार्यक्रम होगा। यह संयोग इतना अच्छा है कि भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि पर जो दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ होने हो चुका है, उसमें शिला रखने का जो कार्य है वो कल होगा और कल उसी मुहूर्त में वहाँ से आने के बाद यहाँ पर भगवान के उद्घाटन का कार्यक्रम होगा, वहाँ रामलला की शिला रखी जाएगी, यहाँ रामलला सदन मंदिर का भगवान का उद्घाटन एवं लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न होगा, तो यह बहुत ही मंगलमय क्षण होगा हमारे आपके लिए और सभी राम भक्तों के लिए। भगवान राम बहुत वर्षों तक टेंट में रहे, उसके बाद अब उनकी जो मंदिर है, उनका जो मंदिर है भव्य तरीके से बनाया जा रहा है और एक बगल में मंदिर आपने देवस्थानम जिसका जीर्णोद्धार कराया, वो चर्चा का विषय है, उसकी जो शैली है, उसकी जो बनावट है, वो कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत की संस्कृति को उत्तर भारत के साथ पिरोया जा रहा है, तो सबसे पहले जो भगवान राम इतने दिनों तक टेंट में रहे उसके बाद ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? भगवान बहुत दिनों तक सब कालचक्र का प्रभाव था, भगवान बहुत दिनों तक जो है टाट के टेंट में रहे, तो वह काल बीत गया, अब बीते हुई बातों पर हम बहुत ज़्यादा विचार नहीं करेंगे, लेकिन भगवान टाट में बहुत दिन रहे लेकिन अब ठाट से रहेंगे और बड़े ही ठाट से अयोध्या में सब जगह भगवान की पूजा आराधना होगी, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्मित हो रहा है और उसी क्रम में राम जन्मभूमि के सन्निकट ही भगवान श्री रामलला का पवित्र स्थान, इसका भी जीर्णोद्धार द्राविड़ शैली में संपन्न हुआ है और दक्षिण भारत उत्तर भारत की संस्कृति सदा एक रही है, दोनों का मिलन ही वास्तविक भारत का स्वरूप है, द्रविड़ और उत्तर के मिलन से ही भारत तैयार होता है, दक्षिण में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है और उत्तर भारत में भगवान राम का प्राकट्य और कृष्ण का प्राकट्य है, तो उत्तर भारत में अगर भगवान प्रकट होते हैं तो दक्षिण में भक्ति प्रकट होती, तो भक्ति और भगवान का मिलन यही तो भारतीय संस्कृति है और यही सनातन संस्कृति का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और धार्मिक कार्यों में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, खुद एक संत समाज की परिपाटी से आते हैं, तो आप लोगों को एक सुखद अनुभूति होती है उनको देखने? बहुत ही सुखद अनुभूति होती है और एक राजा को ऐसा ही होना चाहिए कि धर्मनिष्ठ होकर और धर्म के समस्त कार्यों को, धर्म को संरक्षण देना एवं धर्म की रक्षा करना, यह राजा का भी दायित्व होता है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी स्वयं में एक महान संत हैं और पीठाधीश्वर हैं और एक परंपरा से जुड़े हुए हैं, इसलिए संतों की महिमा और भारतीय संस्कृति की महिमा के वो रग रग से परिचित हैं, इसलिए उनकी भावना अयोध्या से और संतों से जुड़ी हुई है और अत्यधिक अंतर मन से वो जुड़े हुए हैं, हर संतों से उनका दिव्य स्नेह और प्रेम है, एक आत्मीयता है और वो आते हैं और किसी भी कार्यक्रम में उनको अयोध्या बुलाया जाए तो अयोध्या के लिए सदा वो तैयार रहते हैं, हमेशा जब भी कभी हमारी उनकी बातें होती हैं तो माननीय योगी जी कहते हैं कि अयोध्या के लिए तो हम सदा तैयार हैं, जब भी हमें कोई कार्य सौंपा जाएगा या अयोध्या में कोई बुलाएगा या भगवान की सेवा में आना है तो सदा आते रहते हैं और इसलिए सभी संतों का बड़ा ही स्नेह है माननीय योगी जी के प्रति
और उनका भी स्नेह हम सभी लोगों को प्राप्त होता है, हमारे लिए गौरव का विषय है। सनातन संस्कृति में संत समाज का बड़ा अब एक प्रतिनिधित्व रहा है और जो संस्कृति है उसको प्रचार प्रसार में लगातार संत समाज निरंतर जुटा रहता है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं जो संत समाज के ऊपर भी विपदा आती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या इससे कभी संत समाज में भय नहीं व्याप्त होता है कि जो घटनाएँ हो जाती हैं संतों के साथ, तो ऐसा नहीं लगता कि धर्म के कार्यों में अब विघ्न पड़ रहा है? देखिए, ये तो प्रकृति का कार्य है, अच्छा कार्य व्यक्ति करने चलता है तो अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं और परिस्थितियां बदलती हैं, धर्म करने वाले और धर्म का आचरण करने वालों के ऊपर भी कभी कभी संकट आते हैं और भगवान श्री राम के ऊपर भी संकट आए, कृष्ण के ऊपर संकट आए, युधिष्ठिर के ऊपर संकट आए, तो ये तो कालक्रम है और ईश्वरीय विधान चलता रहता है, परंतु इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। संतों के जीवन में भी समस्याएँ आती हैं, लेकिन संत धैर्यपूर्वक उस समस्याओं का निराकरण करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं और यही समाज को मार्गदर्शन भी देते हैं, और सदा से संतों के मार्गदर्शन से ही समाज सुरक्षित रहा और शांति और सुख को प्राप्त किया है। वर्तमान परिवेश में जब काशी और ज्ञान व्यापी और राम मंदिर इन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही, तो ऐसे में संत समाज का जो किरदार है वो कितना अहम हो जाता है? संतों का किरदार बहुत बड़ा, देखिए जब जब इस राष्ट्र में कोई बड़ी समस्या आई तो संतों ने ही आगे बढ़ करके सब कुछ किया। ताड़का और सुबाहु और मारीच जैसे लोगों के द्वारा जब देश में आतंक था तो विश्वामित्र जैसे संत ने आगे आकर के बढ़ करके उस आतंक को समाप्त किया। दक्षिण भारत में जो है सूर्पणखा और खर और दूषण जैसे दुष्ट लोग थे तो वहाँ पर अगस्त मुनि ने आगे आकर के मार्गदर्शन किया और दुष्टों का संहार कराया। तो हमेशा से संतों ने समाज के लिए आगे बढ़ करके काम किया है, बलिदान किया है, योगदान दिया है, क्योंकि संतों का जीवन परोपकार के लिए ही होता है, परोपकाराय सताम विभूतयः। इसलिए संतों के द्वारा ही समाज की रक्षा होगी और राष्ट्र की रक्षा होगी, संस्कृति की रक्षा होगी और मानवता की रक्षा होगी। और अब भारत जाग चुका है, भारत की जनता को और यहाँ के लोगों को यह अनुभव हो रहा है कि संतों के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा कार्य होगा। और वर्तमान जो समय है ये सनातन संस्कृति का समय है? सनातन संस्कृति का समय सदा से रहा, सनातन संस्कृति सदा रही है और सदा रहेगी। जो संस्कृति सदा रहती है उसी का नाम सनातन है। सनातन का मतलब ये तो जो सदा है। हाँ, यह जरूर है कि कभी कम कभी ज़्यादा, उत्थान और पतन ये सृष्टि का नियम है, परंतु सनातन संस्कृति अनादिकाल से है, अनंत काल। वर्तमान स्थिति को आप किस तरह से? वर्तमान समय की स्थिति इतनी सुंदर है कि इस समय यह वैज्ञानिक युग है। वैज्ञानिक युग में लोग किसी के ऊपर कोई बातें थोपी नहीं जा सकती। ऐसे वैज्ञानिक युग में लोग स्वयं तर्क करते हैं और चिंतन करते और तब निर्णय करते हैं। तो वैज्ञानिक युग में, आज के युग में सनातन धर्म का ही सिद्धांत खरा उतरता है। आज भी अगर तर्क और शास्त्रार्थ का विषय हो, लॉजिक का विषय लिया जाए, तो सारी दुनिया में जितने भी मतपंथ हैं उनकी बातें उल जलूल और मनमुखी हैं, लेकिन सनातन धर्म की जितनी बातें हैं, जितना सिद्धांत है या जो मान्यताएं हैं, वह तर्क की कसौटी पर खरी उतरती हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से भी खरी उतरती हैं। इसलिए आज का आधुनिक व्यक्ति, आज के युग का बुद्धिमान व्यक्ति तर्क की दृष्टि से देख करके इसे स्वीकार करने को तैयार है और धीरे धीरे स्वीकारिता इसकी बढ़ती जा रही है। आधुनिकता के नाम पर जिस तरह से सनातन पर टिप्पणी की जाती है और तुलना की जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तमाम सारे वामपंथ विचारधाराएं और इनको कितना खतरा मानते हैं सनातन के लिए? इनसे कोई खतरा नहीं, ऐसे लोग, ये सब बरसाती मेंढक हैं। ऐसे बरसाती मेंढक पैदा होते हैं बरसात के समय में, टर टर करते हैं, चले जाते हैं। सनातन संस्कृति सदा से, सनातन संस्कृति के ऊपर किसी का कोई खतरा नहीं। सनातन संस्कृति के वाहक स्वयं भगवान हैं, भगवान का भी एक नाम सनातन है और उनके द्वारा प्रवर्तित यह धर्म है, इसलिए इसका कभी कुछ बाल बांका नहीं हो सकता। हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से अनेक आक्रांता आए, उन्होंने किया, कुछ न कुछ नुकसान हुआ, लेकिन सनातन संस्कृति का स्वरूप कोई नष्ट नहीं कर पाया और न कर पाएगा। क्या आप इस बात को मानते हैं कि खासकर मुस्लिम अंकरताओं ने यहाँ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई? निश्चित रूप से मैं मानता हूँ, मुस्लिम पंथ ही जो है विश्व का सबसे क्रूर पंथ है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं कि मुस्लिम पंथ जैसा क्रूर पंथ दुनिया में कोई नहीं है जो तलवार की नोक पर अपने सिद्धांत और अपनी मान्यताओं को प्रचारित करना चाहता है, और यह बहुत ही गलत बात है। और जहां कहीं पूरे विश्व में देखें, आज कहीं पूरे दुनिया में आतंकवाद है तो वह एक मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा ही फैलाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी देश में आप देख सकते हैं, सारी दुनिया जानती है। और भारत में भी बड़े बड़े प्राचीन मंदिरों को मुस्लिमों के द्वारा, इन आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया, विध्वंस किया गया, और आज भी उनकी ये मानसिकता है कि दुनिया में और कोई लोग न रहें, केवल हम लोग रहें और हम जैसा चाहें उस प्रकार से जीवन जिए। तो यह एक क्रूर संस्कृति, राक्षसी संस्कृति, इसका विनाश होना चाहिए अथवा इनका संशोधन होना चाहिए। और वह समय काल आ चुका है कि अगर ये नहीं सुधरे और नहीं अपने विचारों को परिवर्तित किया और नहीं समाज की धारा से जुड़ करके चले, तो इनका विनाश भी संभव है
अथवा इनको इस मूल धारा में जुड़ करके आगे चलना पड़ेगा। सनातन सात्विक की बात करता है और इस्लाम कुर्बानी की बात करता है और हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा, तो क्या ये दोनों चीज़ें साथ चल सकती हैं? कुर्बानी की बात वो करते हैं, वो उनका विषय है। हम सनातन संस्कृति के लोग किसी जीव की हिंसा का पक्ष हम नहीं लेते हैं। किसी को जीवन में दुख न दिया जाए, सबको सुख दिया जाए, ये सनातन संस्कृति का उद्घोष है। और पहले ही मैंने कह दिया कि उनका जो पंथ है वह पंथ अत्यंत क्रूर पंथ है। उस पंथ में सबके साथ क्रूरता का व्यवहार ही होता, चाहे पशु के साथ हो, दास के साथ हो, स्त्रियों के साथ हो। उनके यहाँ सारे पक्ष क्रूरतापूर्ण हैं, इसलिए ऐसे क्रूर पक्ष को हम न धर्म कह सकते हैं, न कोई संस्कृति कह सकते हैं। वह एक प्रकार से कहा जाए तो बहुत ही अनुचित विचार है। अनुचित विचार, अनुचित सिद्धांत, अनुचित मान्यताएं समाज के ऊपर थोपने का कार्य वो लोग करते हैं। इसलिए समाज को इन सब चीज़ों से बचना भी चाहिए और ऐसे लोगों से सावधान भी रहना चाहिए। कल का कार्यक्रम क्या है, कितने बजे मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है, क्या क्या होगा? कल माननीय योगी श्री आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार कल यहाँ पधार रहे हैं और उनके द्वारा मंदिर का उद्घाटन एवं लोकार्पण का कार्यक्रम सम्पन्न होगा और इस पवित्र कार्यक्रम में उनकी सहभागिता होगी। यज्ञ का आयोजन चल रहा है, प्रतिष्ठा से संबंधित यज्ञ अनुष्ठान कर्मकांड के सारे कार्यक्रम चल रहे हैं विद्वानों के द्वारा, वो आज से प्रारंभ हुए हैं, 4 तारीख तक चलते रहेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे, एक सन्यासी का राजगद्दी पर बैठना और सन्यास के साथ साथ सत्ता चलाना किस तरह से देखते हैं और खासकर मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सन्यासी सत्ता से दूर सदा रहे हैं, परंतु जब सत्ता संभालने वालों के अंदर योग्यता न रह जाए तो अंत में सन्यासी को ही सत्ता संभालनी पड़ती है। इस देश को सदा से संतों ने ही संभाला, संतों ने तो कभी राजगद्दी और ऐसो आराम या प्रभुता से दूर रहने का ही संतों ने प्रयास किया। परंतु जब किसी के अंदर ऐसी योग्यता न रह जाए और देश दूसरी दिशा में जाने लग जाए, ऐसी स्थिति में संतों को ही आकर के गद्दी संभालनी चाहिए, क्योंकि संतों की तो पहले से गद्दी है जिस गद्दी का नाम व्यास गद्दी है, और व्यास गद्दी पर बैठने वाला राजगद्दी पर भी शासन करता है, राजा भी उसके अनुकूल ही शासन करते हैं। तो अगर राजा भी नियंत्रण से बाहर होने लग जाए तो व्यास गद्दी पर बैठने वाले संत महात्माओं को ही राजगद्दी का भी नियंत्रण अपनी मुट्ठी में ले लेना चाहिए और सारे राष्ट्र को धर्म के मार्ग पर, सतमार्ग पर ले चलना चाहिए। तो यह वो अवसर आ चुका है जिस अवसर पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक व्यास गद्दी पीठ के आचार्य होकर, गद्दी के आचार्य होकर के राजगद्दी को भी संभाल रहे हैं। ये हमारे सबके लिए बहुत ही आनंद का और गौरव का विषय है, खुशी है। आप लोग बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ जगत गुरु राघवाचार्य जी हैं जिन्होंने कल बताया कि किस तरह का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री का आगमन है और दक्षिण भारत उत्तर भारत की जो संस्कृति है उसको एक सूत्र में पिरोकर कल एक नए आयाम को यहाँ पर नया आयाम बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन सनी के साथ अभिषेक शर्मा, #भारत न्यूज़ लखनऊ।